अच्छा स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं जून 2014 S1 A लेवल्स का एक स्टैट्स का पास्ट पेपर सॉल्व करूंगा। और इस पास्ट पेपर में स्टैट्स के बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो मिक्सअप होकर टेस्ट हुए हैं, तो जो हमारे AFC के स्टूडेंट्स हैं CA के, वो भी इस वीडियो लेक्चर को देखकर फ़ायदा उठा सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक आए, अब हम इस सवाल को ज़रा सॉल्व करते हैं, सवाल जो दिए हुए उनको सॉल्व करते हैं। पहले सवाल रीड करता हूँ मैं। पहला जो सवाल है उसमें लिखा हुआ है, द पेट्रोल कंजम्पशन ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ कार हैज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 25 किलोमीटर्स पर लीटर एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 4.7 किलोमीटर्स पर लीटर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेट्रोल कंजम्पशन ऑफ अ रेंडमली चूजन कार ऑफ दिस टाइप इज बिटवीन 21.6 किलोमीटर्स पर लीटर एंड 28.7 किलोमीटर्स पर लीटर। यानी कि सवाल जो है वो कुछ इस तरह का है कि सवाल आपको जो है वो मीन बता रहा है, सवाल आपको मीन बता रहा है। बोलते हैं एक गाड़ी है और उसके पेट्रोल की कंजम्पशन ऑन एन एवरेज 24 किलोमीटर पर लीटर है, उसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 4.7 है, और वो बोलते हैं इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि इसी तरह की कोई एक गाड़ी मैं पिक करूंगा और उस गाड़ी की जो पेट्रोल की कंजम्पशन होगी वो 28.7 किलोमीटर पर लीटर से कम होगी और 21.6 किलोमीटर पर लीटर से ज़्यादा होगी। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक सवाल है प्रोबेबिलिटी का। सबसे बड़ी पहचान ये है कि वेरिएबल कंटिन्यूस है। मैं 21.6 और 28.7 को z में कन्वर्ट करूंगा यूजिंग z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हम लिख देंगे 21.6 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 4.7। पहली वाली वैल्यू जो है ना वो आपकी बन जाएगी, पहली वाली वैल्यू आपकी बन जाएगी नेगेटिव 0.51 लेस देन जेड, और दूसरी वाली वैल्यू होगी 28.7 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 4.7, यानी कि दूसरी वाली वैल्यू आपकी बन जाएगी 1। अब इसका जो जेड स्कोर का डायग्राम है वो शेड कर देते हैं हम। सेंटर में जेड जीरो होगा, यहां पर 1 होगा और यहां पर नेगेटिव 0.51 होगा। आपने जो एरिया फाइंड आउट करना है जेड स्कोर टेबल से वो ये वाला एरिया ढूंढना। ठीक है, आपने ये वाला एरिया फाइंड आउट करना। ये जो स्पेसिफिक एरिया मैंने शेड किया है ये एरिया आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब मैं ये काम नहीं कर रहा कि मैं जेड स्कोर टेबल से आप लोगों को वैल्यूज़ भी बताऊं, यहाँ तक मैं ले आया और अब बड़ा आसान सा काम है। बहुत सारे सवालों में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, आपका फाइनल आंसर 0.537 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा पहला सवाल सॉल्व हो गया। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल बोलता है, लेंथ्स ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ वाइट रेडिश आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन न्यू सेंटीमीटर्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा। 4% ऑफ दीज रेडिशेस आर लॉन्गर देन 12 एंड 32% आर लॉन्गर देन 9। फाइंड म्यू एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। ये उल्टा वाला सवाल है जिसमें स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखो, आपने स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन इस बार ढूंढनी है। ठीक है ना, दिया हुआ क्या है, बोला हुआ 4% चीजें जो है ना वो 12 सेंटीमीटर से ज्यादा है। यानी कि आपको जो पहली चीज दी हुई है वो दी हुई है प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 12
प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 12 इज इक्वल्स टू 4% यानी कि 0.04। और दूसरी जो चीज दी हुई है वो है 32% आर लॉन्गर देन 9 यानी कि प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 9 इज 0.32। ये जो दो चीजें आप कैलकुलेट करते हो, x से z में जाते हो, z से स्केच बनाते हो, स्केच से जो वैल्यूज रीड करते हो वो दे दी हैं। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अच्छा, अगर नॉर्मल सवाल होता और सवाल ये होता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 12 ढूंढो, तो इसको मैं किस में कन्वर्ट करता? z में कन्वर्ट करता। तो यहां पर भी अगर हम z में कन्वर्ट करें, z का जो फॉर्मूला है वो है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ग्रेटर देन x माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू हमें नहीं पता, अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, और ये कितना होना चाहिए 0.04, ये दिया हुआ। अब अगर मैं अपना डायग्राम बनाऊंगा तो मुझे ये मालूम है, देखो ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है यानी कि कोई z की ऐसी वैल्यू जिसके आगे वाला एरिया 0.04 हो। तो मैं अपना जब डायग्राम बनाऊंगा, सेंटर में z जीरो होता है, यहां पर कोई z की ऐसी वैल्यू जिसके आगे वाला एरिया 0.04 हो, ठीक है ना। तो z की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसके आगे वाला एरिया 0.04 हो? अब अगर आगे वाला एरिया 0.04 होगा तो सेंटर और z के बीच वाला एरिया कितना होगा? सेंटर और z के बीच वाला एरिया जो है ना, यानी कि ये होगा 0.46। तो अब आप अपना z टेबल यूज करोगे, z टेबल से ये देखोगे कि यार आखिर z की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके आगे वाला एरिया 0.04 होता है, तुम्हें पता चलेगा 1.75 है। ये काम हम बहुत बार कर चुके हैं, तो हम लिख देंगे 1.75 इज इक्वल्स टू 12 माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। ये हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा। ऐसा क्यों किया सर, ये इसके बराबर क्यों है? क्योंकि इस पूरे की जगह अगर 1.75 होता, यानी कि ये होता z ग्रेटर देन 1.75, तो मेरा आंसर आता ना 0.04। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1.75 इज इक्वल टू 12 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, ये एक इक्वेशन बन गया। सर दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे? दूसरा इक्वेशन भी देख लेते हैं। दूसरा इक्वेशन बन जाएगा इस कंडीशन से, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 9, पहले क्या करना होता है, इसको जेड में कन्वर्ट करना होता है, और अगर मैं जेड में कन्वर्ट करूंगा तो प्रोबेबिलिटी जेड ग्रेटर देन एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, और इसका आंसर दिया हुआ है 0.32। अब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, ग्रेटर देन है, अगेन ग्रेटर देन है यानी कि कोई z की ऐसी वैल्यू होगी जिसके आगे वाला एरिया 0.32 हो। तो अगर इसके आगे वाला एरिया 0.32 है तो ये वाला एरिया जो है ये कितना होगा? 0.18 होगा। अगेन अब आप अपना टेबल यूज करोगे और टेबल यूज कर ये आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसके आगे वाला एरिया 0.32 आए, और अगर आप इसको आइडेंटिफाई करोगे तो ये आई गेस बन रहा होगा 0.47, तकरीबन 0.47। तो इसका मतलब ये हो गया 0.47 इज इक्वल्स टू 9 माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। बिकॉज अगर इसको ऐसे लिखा जाता, प्रोबेबिलिटी जेड ग्रेटर देन 0.47 और सॉल्व किया जाता तो हमारा आंसर 0.32 आता है।
लेकिन यहाँ पर तो ये सॉल्व हुआ हुआ है, तो हमने ये ढूंढा यार यहाँ पर कौन सी ऐसी वैल्यू हो जिससे ये वाला आंसर आ रहा हो, वो 0.47 है, यानी कि 9 माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन 0.47 के बराबर है। अब हमारे पास एक ये इक्वेशन हो गई है और एक ये वाली इक्वेशन हो गई है, दो इक्वेशंस हो गई हैं, ठीक है। जब हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है ना। हमारे पास एक ये वाली इक्वेशन है और हमारे पास एक ये वाली इक्वेशन है, और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है भाई। तो ये हमारा सवाल नंबर दो हो गया। मेरे प्रैक्टिस मैनुअल में इसके कंप्लीट आंसर्स भी हैं। अच्छा, जब हम आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा म्यू इज इक्वल्स टू 7.9 और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है उसका फाइनल आंसर आ रहा होगा 2.34। मेरे प्रैक्टिस मैनुअल में इसके आंसर्स, इसके क्वेश्चन, सारी चीज़ें मौजूद हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ लीजिएगा। मैं सवाल नंबर तीन पर चलता हूँ। सवाल नंबर तीन में लिखा हुआ है स्टेट थ्री कंडीशंस विच मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर अ सिचुएशन टू बी मॉडल्ड बाय अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंडीशंस होती हैं उसमें से आप कोई तीन कंडीशंस बता दें। पहली कंडीशन क्या होती है? कॉन्स्टेंट प्रोबेबिलिटी। कॉन्स्टेंट प्रोबेबिलिटी, ये पहली कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती थी? इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, ये दूसरी कंडीशन होती थी। तीसरी कंडीशन क्या होती थी? ओनली टू आउटकम्स, है ना। हम हमेशा बोलते थे या तो ये होगा या तो ये नहीं होगा। ये तो होगा, अच्छा चलो टू। अब अगले पार्ट में बोलता है, थ्री के टू में बोलता है, जॉर्ज वांट्स टू इन्वेस्ट सम ऑफ हिज मंथली सैलरी, ही इन्वेस्ट्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ दिस एवरी मंथ फॉर 18 मंथ्स। जॉर्ज एक बंदा है, वो अपनी सैलरी में से कुछ अमाउंट हर महीने जमा करता है, और ऐसा ये कितनी बार करता है? 18 महीने तक करता है। फॉर ईच मंथ देर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.25 दैट ही विल बाय शेयर्स इन अ लार्ज कंपनी। अच्छा, ये सेव कैसे करता है? इसकी तनख्वाह आती है, तनख्वाह में से कुछ पैसे जो है वो खर्च हो जाते हैं, जो पैसे बच जाते हैं वो बचे हुए पैसे ये जमा करता है या कहीं इन्वेस्ट करता है, और 25% इम्कानात इस बात के हैं कि ये किसी बड़ी कंपनी के शेयर्स खरीदता है। देर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.15 दैट ही बाय शेयर्स इन अ स्मॉल कंपनी। 15% चांसेस ये हैं कि ये इन्वेस्टमेंट करता है किसी छोटी कंपनी में, छोटी कंपनी के शेयर्स खरीदता है। एंड देर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.6 दैट ही विल इन्वेस्ट इन अ सेविंग्स अकाउंट, और 0.6 इस बात की प्रोबेबिलिटी कि ये सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्ट करेगा। सेविंग्स अकाउंट जो होते हैं वो बैंक्स के होते हैं, आप पैसे जमा कर देते हो, उससे आपको जो है उसमें इंटरेस्ट मिलता रहता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट जॉर्ज विल बाय शेयर्स इन अ स्मॉल कंपनी। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जॉर्ज जो है ना वो किसी स्मॉल कंपनी में शेयर्स बाय करेगा इन एट लीस्ट 3 ऑफ दीज 18 मंथ्स। इन 18 में से कम से कम किसी भी 3 महीने में। अब अगर ये इस तरह से सवाल पूछता है तो हम बाइनोमियल से सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज 18 इवेंट से 18 बार ये जाकर जो है ना वो पैसे डिपॉजिट करेगा। छोटी कंपनी में पैसे डिपॉजिट करे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.15। छोटी कंपनी में पैसे डिपॉजिट ना करे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.85। हमें क्या मालूम करना है? इस बात की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि ये जो जॉर्ज है ये 18 में से एट लीस्ट यानी कि कम से कम एट लीस्ट
तीन बार, यानी कि तीन या उससे ज्यादा बार किसी छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे। अब इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका तो ये है कि भाई अगर आपसे सवाल ये बोल रहा है कि एटलीस्ट तीन बार, यानी कि तीन या तीन से ज्यादा बार छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे, तो आप कैलकुलेट करो कि 18 में से तीन बार इन्वेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी, 18 में से चार बार इन्वेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी, 18 में से पांच बार इन्वेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी, 18 में से छः, 18 में से सात एंड सो ऑन, 18 में से 18 बार इन्वेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी। दूसरा तरीका यह होता है कि आप वन में से माइनस कर दो एक भी बार छोटी कंपनी में इन्वेस्ट ना करे इसकी प्रोबेबिलिटी, एक बार इन्वेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी, दो बार इन्वेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हो। अब अगर आप इस दूसरे तरीके से सवाल को सॉल्व करोगे तो देख लेते हैं कि सवाल कैसे सॉल्व होगा। अच्छा, जितने मेरे अपने स्टूडेंट्स, करंट स्टूडेंट्स नहीं हैं, अगर उनको कोई प्रैक्टिस मैनुअल वगैरह की ज़रूरत हो तो वो मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स मैं करंट कंडीशंस को देखते हुए सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पर डाल रहा हूँ। तो इन केस अगर आप लोगों को हैंडआउट चाहिए, आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर चीज़ें प्रोवाइड करूँगा एंड देट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कोई किसी किस्म के चार्जेस नहीं लूंगा। अच्छा चले, सवाल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस जीरो बार इन्वेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, 18C0, 18 में से एक भी बार ये स्मॉल कंपनी में इन्वेस्ट ना करे, स्मॉल कंपनी में इन्वेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी पावर जीरो, स्मॉल कंपनी में इन्वेस्ट ना करने की प्रोबेबिलिटी पावर 18, ये जीरो हो गया। वन कैसे आएगा, 18 में से एक बार छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करे, छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी पावर वन, छोटी कंपनी में इन्वेस्ट ना करने की प्रोबेबिलिटी पावर 17, ये वन हो गया। और 18C2, 18 में से दो बार छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करे, छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी पावर 2, छोटी कंपनी में इन्वेस्ट ना करने की प्रोबेबिलिटी पावर 16। और फिर इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलें, तो ये क्वेश्चन नंबर 3B हो गया। 4 पर चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखता है, अ बुक क्लब सेंड्स 6 पेपर बैक एंड 2 हार्ड बैक बुक्स टू मिसेस हंट। एक बुक्स का क्लब है, उसने जो है ना वो 6 पेपर बैक और 2 हार्ड बैक बुक्स जो है ना वो मिसेस हंट को भेजी हैं। मैं यहां पर इस इंफॉर्मेशन को लिख दूं, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं, 6 बुक्स हैं पेपर बैक और 2 बुक्स हैं हार्ड बैक। शी चूजेस 4 ऑफ दीज बुक्स एट रेंडम टू टेक विद हर ऑन हॉलीडे। ये इन बुक्स में से टोटल कितनी बुक्स हो गई, 8। 4 बुक्स चूज सेलेक्ट पिक करती है हॉलीडे पे लेकर जाने के लिए। द रेंडम वेरिएबल एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पेपर बैक बुक्स शी चूजेस। नंबर 1, शो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट शी चूजेस एग्जैक्टली 2 पेपर बैक बुक्स इज 3/14। इस बात की प्रोबेबिलिटी के ये एग्जैक्टली 2 पेपर बैक बुक्स चूज करे, ये 3/14 है, ये शो करो। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल तो ये 8 में से कितनी बुक्स लेकर रही है, 8 में से 4, तो 8C4। आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि एग्जैक्टली 2 बुक्स जो हैं वो पेपर बैक बुक्स हों, यानी कि 6C2, 6 में से 2 मल्टीप्लाइड बाई बाकी 2 क्या होंगी,
अगर मैं चार चीज़ें सेलेक्ट कर रहा हूँ, अगर मैं चार चीज़ें सेलेक्ट कर रहा हूँ आठ में से, और दो पेपर बैक हैं, तो बाकी दो क्या होंगी? बाकी दो हार्ड बैक होंगी, यानी कि 2C2। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, 2C2 कितना आता है? 2C2 तो 1 आता है ना, तो 6C2 ऊपर आएगा, 6C2 15 होता है, और नीचे 8C4 यानी कि 70 आएगा, तो 15/70, 15/70। ठीक है भाई, तो ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया, और ये हमने हाइपर ज्योमेट्रिक से किया बिकॉज सेलेक्शन की बात हो रही थी। फिर सवाल बोलते हैं, ड्रॉ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर एक्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मतलब ये है कि ये जो रैंडम वेरिएबल आपका था, आपने ये सोचा था कि एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, कि ये बंदा कितनी पेपर बैक बुक्स जो है ना वो सेलेक्ट करता है, इसकी अलग अलग जो चांसेस हो सकते हैं या प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, उसका एक टेबल बनाओ। अब देखो, ये बात याद रखना कि मिसेस हंट ने जो है ना वो टोटल 8 में से 4 बुक्स सेलेक्ट करनी है। मिसेस हंट ने 8 में से कितनी बुक्स सेलेक्ट करनी है? 4। दो कौन सी हैं? हार्ड बैक बुक्स हैं, और 6 कौन सी हैं? पेपर बैक बुक्स हैं। ठीक है, अब अगर मैं सोचने बैठूं ना, तो देखो मैं ये कह सकता हूं कि यार अगर ये जो एक्स है, ये जो वेरिएबल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेपर बैक बुक्स को, ये एक्स जो वेरिएबल है ये पेपर बैक बुक्स को जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैं 8 किताबों में से 4 किताबें सेलेक्ट करता हूं, तो जब मैं 4 सेलेक्ट करूंगा, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दो चीजें हार्ड बैक बुक्स हो, दो पेपर बैक बुक्स हो। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दो हार्ड बैक बुक्स हो और दो पेपर बैक बुक्स हो। मैं यहां पे लिख देता हूं, दो पेपर बैक, दो हार्ड बैक। और क्या हो सकता है? अगर मैं 8 में से 4 किताबें सेलेक्ट करूंगा, ऐसा भी हो सकता था कि एक पेपर बैक बुक हो, एक बुक क्या हो? पेपर बैक, और 3 हार्ड बैक हो। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप 4 किताबें सेलेक्ट कर रहे हो, आपके पास हार्ड बैक बुक्स टोटल 2 हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 4 किताबें सेलेक्ट करो, एक पेपर बैक हो और 3 हार्ड बैक हो, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा हार्ड बैक है कितनी? 2। तो सर ऐसा तो नहीं हो सकता। हां, यह जरूर हो सकती है कि जब आप 4 किताबें सेलेक्ट करो तो 3 किताबें पेपर बैक बुक्स हो और एक किताब हार्ड बैक बुक हो। एंड फाइनली, ये कौन सी कंडीशन थी? 3 पेपर बैक और 1 हार्ड बैक। एंड फाइनली एक और काम हो सकता है कि जब मैं 4 किताबें सेलेक्ट करूं, चारों किताबें पेपर बैक हो और एक भी हार्ड बैक बुक ना हो, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अब अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करता हूं, पहले वाले का तो आंसर 15/70 आ रहा था, अगर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं तो 15/70 को हम 3/14 भी लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ये किस चीज की थी? 2 पेपर बैग और 2 हार्ड बैग, 3/14। अच्छा सर, 3 पेपर बैग और 1 हार्ड बैग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए 6 में से 3 में सेलेक्ट करूं जो पेपर बैग हो, 63। 2 हार्ड बैग में से 1 हार्ड बैग सेलेक्ट करूं, 2C1, और टोटल कितनी है? टोटल है 8, 8 में से कितनी सेलेक्ट करूं? 4, तो 8C4। कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 6C3 × 2C1 डिवाइडेड बाई 8C4। ये 4/1 मिनट मैं चेक कर लूं, 6C3 × 2C1 ऊपर आ जाता है 40, और 8C4 जो है ना वो है 70, तो ये 40/70 आ रहा है।
यानी कि हाँ 4/7 आ रहा है। अच्छा 4/7 को हम 8/14 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, 4/7 भी लिख सकते हो, 8/14 भी लिख सकते हो। इसका आंसर आ रहा होगा 4/7, तो सर 4/7 क्यों नहीं लिखा बताऊंगा अभी, मैंने दोनों को 2 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दिया तो इसको 8/14 भी लिख सकता हूँ। तीसरा के चार बुक्स पेपर बैग बुक्स हो, 6C4 चार में से, 6 में से 4 पेपर बैग हो और 2C0 और हार्ड बैग एक भी ना हो, डिवाइडेड बाय 8C4, इसको सॉल्व करते हैं। 6C4 15 आता है, डिवाइडेड बाय 8C4 70 आता है, तो 15/70 सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही आएगा 3/14 वापस। मैंने डिनोमिनेटर सबका 14 इसलिए किया ताकि मैं जब इसको ऐड करूँ ना, 3, 8 और 3, 3, 8, 11, 11, 3, 14, 14/14, 1, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है 1। तो सर 4/7 का तो भी सम 1 आता है ना, हाँ आ जाता है, लेकिन फिर कैलकुलेटर पे करना पड़ता है, ये तो जबानी हो गया ना, 3, 8, 3, 14 बनता है, 14/14 इज 1, ठीक है ना। तो ये हमारा पार्ट जो 2 है वो भी हो गया। पार्ट 3, यू आर गिवेन दैट ई एक्स इज इक्वल्स टू 3, ई एक्स इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, और एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, ई एक्स या एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज समेशन ऑफ एक्स पी, ये हमें 3 दी हुई है, लेकिन अगर कैलकुलेट करनी होती तो कैसे होती, पहली एक्स की वैल्यू यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय उसकी प्रॉबेबिलिटी यानी कि 3/14 प्लस दूसरी एक्स की वैल्यू यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि 8/14 प्लस तीसरी एक्स की वैल्यू यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाई उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि 3/14। जरा इसको सॉल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/14 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 8/14 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/14, तो ये आ जाता है हमारा 3। You are given that EX is equals to 5, find variance of X. अब अगर आपको ऐसा टेबल दिया हुआ और आपको वेरियंस ढूंढना हो तो उसके लिए भी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। वेरियंस का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर पी माइनस समेशन ऑफ एक्स पी होल स्क्वायर, और समेशन ऑफ एक्स पी होल स्क्वायर का मतलब ये है कि इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये समेशन ऑफ एक्स पी ही है। तो अब हमारा आंसर बनेगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर पी होगा हमारा 2 स्क्वेयर इंटू 3/14 प्लस 3 स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय 8/14 प्लस 4 स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय 3/14 माइनस समेशन ऑफ एक्स पी होल स्क्वेयर यानी कि 3 का होल स्क्वेयर, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 14, ये 6/7 पहली वैल्यू बनती है। अच्छा 3 इंटू 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 14, 36/7 बनती है। मैं यहाँ पे लिखता जाऊँ, 6/7 प्लस 36/7 प्लस, अच्छा 4 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 14 जो है वो बनता है 24/7, ठीक है। और इन सबको ऐड करना है, उसमें से 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस करना, सो 6/7 प्लस 36/7 प्लस 24/7 माइनस 9, तो ये बन जाता है आपका 3/7, ठीक है ना। ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है जनाब। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने पहले जो 4 सवाल थे वो सॉल्व कर लिए, अभी भी 3 सवाल बाकी हैं, वो अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करते हैं।